देखते हैं ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले अपन मैथमेटिकल डेरिवेशन देख चुके हैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफिकल। तो देखो इसमें क्या है कि अपने ग्राफ कौन सा लेना है, वी टी ग्राफ लेना है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को किस पे लेना है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या लेना है टाइम। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या है u, इनिशियल वेलोसिटी, p, s पॉइंट क्या है v, फाइनल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ बना, ठीक है। अब देखो अपने को ये तो पता है पहले से कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ये अपने को पता है स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये पॉइंट यू है, ये पॉइंट वी है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल वी है और यहाँ से यहाँ तक यू है। देखो वापस से, यहाँ से यहाँ तक वी है, यहाँ से यहाँ तक यू है, तो टोटल वी में से यू गया तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस यू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक वी है और इसमें यू माइनस हो गया, ये यहाँ से यहाँ यू है तो ये कितना आ जाएगा, वी माइनस यू। और इसके लिए टाइम कितना लगा, वी यू से वी तक पहुँचने में, टी टाइम। यू से वी तक वेलोसिटी पहुँचने में टाइम कितना लगा, टी टाइम लगा। तो देखो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वी टी कर्व, मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, ये पता ही है अपने को। अब देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टैन थीटा, ये भी बताया जाएगा। स्लोप टैन थीटा, टैन थीटा बेसिक लेक्चर में बताया जा चुका है बेसिक मैथमेटिक्स में कि टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी बाय बी। अब देखो इन गिवन फिगर, इस फिगर में देखें तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, स्लोप। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये जो ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। देखो ये जो ट्राइंगल है इसका परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर। तो ये क्यू आर लिखा। अब बेस का है क्या है, पी क्यू, ये बेस है पी क्यू, इस वाले ट्राइंगल का मैं बोल रहा हूँ पी क्यू, सॉरी पी आर, ठीक है। ये पी आर क्या हो गया, बेस। अब देखो क्यू आर को, ये जो क्यू आर है इसको एस और पी भी लिख सकते हैं, क्यू पॉइंट पैरेलल है एस के और आर पॉइंट पैरेलल है पी के, तो एस पी भी लिख सकते हैं, तो एस पी बाय पी आर, बेस तो यही पी आर चलेगा। अब देखो एस पी क्या है, बेसिकली एस पी क्या है, वी माइनस यू, तो लिख दिया वी माइनस यू। और पी आर क्या है, टाइम कितना लगा, टी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम, तो ये क्या है, टी। तो देखो ए इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू बाई टी। अब देखो टी को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ए टी आ गया, यहाँ से क्या आ गया, वी माइनस यू। अब देखो वी क्या हो जाएगा, ये माइनस यू है, इधर आएगा क्या होगा, दोनों इक्वल टू इधर इधर कर दो, तो वी क्या आ जाएगा, यू प्लस ए टी। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो वी क्या आ जाएगा, यू प्लस ए टी। तो ये क्या हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। तो इसको अपने को ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, ये एनसीईआरटी में भी आता है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आते हैं। अब मेरे को पहले से पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, ए क्या है एक्सेलरेशन यहाँ पे। अब देखो अपने को ये भी पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है, अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या देता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो देखो वी टी ग्राफ बना लिया, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। वापस से देखो यहाँ पे यू है, टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक यू होगा, ये तो पहले बता रखा है। अब देखो अपने को एरिया निकालना है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो देखो ये जो लाइन है इसके नीचे का एरिया, तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक तो वर्टिकल लाइंस, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल बना, ये जो रेक्टेंगल है वर्टिकल लाइंस उसका एरिया, और एक ट्राइंगल जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ब्लैक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर रखा है इसका एरिया, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरा ग्राफ के अंदर का एरिया, इस पूरे ग्राफ के अंदर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये जो लाइन है इसके नीचे का एरिया आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा,
कौन सा रेक्टेंगल, ओ पी आर एस, ओ पी आर एस इसका रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल पी क्यू आर इसका ट्राइंगल का एरिया, तो इससे एरिया अंडर मिटी ग्राफ आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपने को पता है ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो देखो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है टी और ब्रेथ कितना है यू, तो इसका एरिया कितना आ गया यू इंटू टी, तो देखो यहाँ पे यूटी लिख दिया ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना हो गया टी और ब्रेथ कितना हो गया यू, तो एरिया कितना आ जाएगा यूटी, वही लिखा हुआ है ओपी इंटू पी आर, ओपी ओपी इंटू पी आर ठीक है, पी आर भी तो वही है ना टी है, ओपी इंटू पी आर, ओपी इंटू पी आर तो यूटी हो गया। अब देखो ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो देखो हाफ बेस क्या है इसका टी है, इस ये वाला ट्राइंगल है पी क्यू आर इसका बेस क्या है टी, और हाइट क्या है इस ट्राइंगल का, तो देखो ध्यान से हाइट ये पहले भी बता रखा, यहाँ से यहाँ तक क्या है वी और यहाँ से यहाँ तक क्या है यू, तो वी में से यू माइनस कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या आ जाएगा वी माइनस यू, तो हाइट इसका क्या हो गया इस ट्राइंगल का, ये वाला ट्राइंगल इसका हाइट क्या आ गया वी माइनस यू ठीक है। तो देखो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह क्या लिखती है टाइम, इंटू हाइट की क्या, हाइट की जगह क्या लिखेंगे वी माइनस यू, वी माइनस यू कैसे आया टोटल कितना है वी उसमें यू माइनस कर दो, तो ये जो लेंथ आ जाएगा v, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे वी माइनस यू लिख देंगे। अब देखो अपने को पता है वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, तो वी माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एटी हो जाएगा, तो देखो ये जो वी माइनस यू है इसके जगह पे क्या लिख देंगे एटी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखती है वी माइनस यू की जगह क्या लिखती है एटी। अब देखो क्या हो गया ऊपर से एस तो आ रहा है यू टी प्लस हाफ टी इंटू एटी, तो क्या होगा ए टी स्क्वायर, तो यहाँ वापस क्या लिख देंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या किया गया वी माइनस यू की जगह पे क्या लिख दिया गया है ए टी, तो यहाँ पे ए टी लिख दिया गया है। बेसिकली अपने को क्या करना है ट्राइंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया दोनों को ऐड करके लिख देना है, तो उससे क्या आ जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ होना चाहिए तभी आएगा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है, और वहाँ से ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, नोट कर लो इसको भी। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ पे वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो देखो फिर से वी टी ग्राफ बना लेते हैं वी टी ग्राफ। अब देखो एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एरिया अंडर वी टी ग्राफ ठीक है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ क्या देता है डिस्प्लेसमेंट देता है, तो देखो एस इक्वल टू क्या हो गया। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ बना ये जो एरिया मैंने ड्रॉ मतलब सेट कर रखा है वर्टिकल लाइन से ब्लैक कलर के वर्टिकल लाइन से, ये देखो एक ट्रेपेजियम है, तो अपने देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ, देखो ट्रेपेजियम तो बेसिकली ऐसा इससे का होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड का सम प्लस ये साइड का सम, पैरेलल साइड ये पैरेलल इसके है, तो इसका सम प्लस इसका सम, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या हाइट बोलो ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये साइड और ये साइड का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट, तो ये होता है। अब देखो ये जो ट्रेपेजियम है ये इस टाइप से है ठीक है, इस टाइप से ट्रेपेजियम बना, तो इसका पैरेलल साइड कौन सा हो गया एक ये पैरेलल साइड और एक ये पैरेलल साइड ठीक है, ये जो ट्रेपेजियम है ऐसे बना यहाँ से ऐसे, तो एक ये पैरेलल साइड और एक ये पैरेलल साइड, तो देखो ये यू है और ये वाला पॉइंट क्या हो गया वी है, ये टोटल क्या है वी, ये टोटल क्या है यू, तो पैरेलल साइड का सम क्या हो गया यू प्लस वी, पैरेलल साइड का सम क्या हो गया यू प्लस वी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हाइट क्या है इसका टी है, ये मतलब दोनों के बीच में
हाइट क्या है या डिस्टेंस क्या है टी। तो देखो अपना लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है यू और ये वी, तो यू प्लस वी और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है टी। अब देखो अपने को पता है क्या ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा वी माइनस यू बाई ए होगा। टाइम को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा वी माइनस यू बाई ए। तो टी की जगह पे क्या लिख दो वी माइनस यू बाई ए लिख दो। तो यहाँ पे टी को किससे रिप्लेस करती है वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखो एक आइडेंटिटी अपने को पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी है मैथ्स का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो क्या होता है इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से देखो ये जो टू ए इधर एस में मल्टीप्लाई हो गया टू और ए किस में मल्टीप्लाई हो गया एस में तो टू ए एस हो गया। यहाँ से आ गया यू प्लस बी को वी प्लस यू लिख दो और ये वी माइनस यू ऊपर से नीचे आ गया। ये आइडेंटिटी यूज करो तो यू वी प्लस यू वी माइनस यू ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इधर तो टू एस नीचे आ रहा है अब तो इक्वल टू का इधर उधर कर दो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इधर आ गया ये टू एस इधर आ गया। अब यू स्क्वायर माइनस उधर आएगी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन अपना क्या आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन अपने को याद होना चाहिए नोट कर लो।